नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में सफर कर सकते हैं? लेकिन अभी तो यह आपको सिर्फ एक सपना मात्र ही लगता होगा, परंतु आपका यह सपना 2023 तक जरूर पूरा होने वाला है, क्योंकि 2023 तक भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जहां पर आप हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। इस बात की जानकारी स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। उन्होंने बताया कि 2023 तक भारत हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन कैसी होगी, इसकी क्या क्या खासियत होंगी और यह भारत में कब तक चलने लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय रेलवे ने हाल ही के कुछ वर्षों में अपनी छवि में काफी बदलाव किया है। इस बात का अंदाजा आप वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को देखकर लगा सकते हैं, जहां एक तरफ हमारे देश में ही निर्मित वंदे भारत ट्रेन ने पिकअप के मामले में बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री वैष्णव जी ने भी भारतीयों को अगले साल 2023 तक एक और नई ट्रेन का तोहफा देने की घोषणा अभी से ही कर दी है। उन्होंने कहा कि 2023 तक भारत जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अब जानते हैं हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिससे डीजल, पेट्रोल, कोयला जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम होती है। ये ट्रेनें सिर्फ भाप और बाष्पित पानी का ही उत्सर्जन करती हैं। हाइड्रोजन पावर ट्रेनें हाइब्रिड ट्रेनें होती हैं, जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी या सुपर कैपेसिटर लगे होते हैं, जो हाइड्रोजन ईंधन के पूरक होते हैं, जिससे ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेनों की क्या खासियत होती है और यह डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधनों से चलने वाली ट्रेनों से कितनी बेहतर होती हैं। दोस्तों, अगर ईंधन की बात की जाए तो सिर्फ 1 लीटर हाइड्रोजन ईंधन 4.5 लीटर डीजल ईंधन के बराबर होता है। वहीं हाइड्रोजन ट्रेनों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। मौजूदा ट्रेनों और रेल लाइन्स में भी हाइड्रोजन इंजन को आसानी से लगाया जा सकता है, जिसके लिए अलग से कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेनों में ईंधन भरने के लिए मात्र 20 मिनट का समय लगता है, जो इसे 18 घंटे तक चलने या फिर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त होता है। हाइड्रोजन ट्रेनें एक बार फ्यूल अप होने पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार 18 घंटों तक दौड़ सकती हैं। अगर खर्च की बात की जाए तो हाइड्रोजन ट्रेनों का खर्च ईंधन से चलने वाली ट्रेनों के कंपैरिजन में 60-65% तक कम होता है और इस ट्रेन से 0 प्रदूषण निकलता है। दोस्तों, क्या हाइड्रोजन ट्रेनें हमारे देश में सक्सेसफुल होंगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।